आपको अगर किसी के खिलाफ फर्जी 307 का मुकदमा दर्ज करवाना है तो आप औरैया के मुन्ना भाई MBBS फर्जी डॉक्टर से मिलिए। जी, पुलिस गिरफ्त में आए इन लोगों ने गजब कांड किया है, ऐसा कांड जिसे सुनकर आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। 9 जून को विधुना कोतवाली क्षेत्र के चनहिया के पास गोली लगने से घायल मिले युवक के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश और जमीन विवाद में झूठा केस बनाने और विरोधियों को फंसाने के लिए अनुराग नाम के शख्स ने अपने पिता के साथ मिलकर ये साजिश रची। उसने एक फर्जी झोला छाप MBBS डॉक्टर की मदद से अपने शरीर में सूजी की मदद से छेद करवाकर गोली को शरीर में प्लांट किया और खुद पर हमले का आरोप लगा दिया। अनुराग दुबे है, उसने इस घटना को पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर किया, फैब्रिकेट किया। इसमें इन्होंने साथ दिया एक डॉक्टर दीवान सिंह, जो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, जो कि झोला छाप डॉक्टर है, क्वैक है, जो कन्नौज जनपद के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर दीवान सिंह का उपयोग करके इन्होंने अपने शरीर में पहले एक सूजे से छेद करवाया, फिर एक बुलेट को, जो कि एक व्यक्ति है नीरज करके, उनसे उस बुलेट को लिया था और उस बुलेट को अपने शरीर में प्लांट करवाया इस फर्जी डॉक्टर से। और फर्जी डॉक्टर जब इस बुलेट को प्लांट कर लिया तो ये घटनास्थल पे आकर के अपने आप को गिरा लिए और इन्होंने पुलिस को सूचना दी कि इनको गोली मार के घायल कर दिया गया। आपको बता दें कि 9 जून को कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र के रहने वाले संजय ने पुलिस को खबर दी कि बेटे अनुराग को इटावा से घर लौटते वक्त विधुना के चनहिया के पास 3 लोगों ने गोली मार दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की। पुलिस को ये मामला और ये चोट संदिग्ध लगी। वहीं जांच करने पहुंची कानपुर और औरैया की फॉरेंसिक टीम को भी मौकाए वारदात से मिले साक्ष्य संदिग्ध लगे। इस पर SP के आदेश पर विधुना कोतवाली पुलिस और SOG टीम ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की और जब संजय से सख्ती से पूछताछ की गई तो पूरे कांड का भंडाफोड़ हुआ। थाना विधुना की पुलिस टीम, जो CO विधुना के नेतृत्व में काम करी है, और हमारी SWAT की टीम द्वारा इस पूरी घटना का सफल अनावरण किया गया है और एक निर्दोष व्यक्तियों को जेल जाने से बचाया गया। और साथ ही साथ जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ हमने इस मुकदमे को धारा को तरमीम करते हुए 182, 195, 211 और 420 की धारा को इसमें इंक्लूड किया है। और जो इसमें घायल व्यक्ति थे, जो अपने आप को पहले इसमें विक्टिम बता रहे थे, अंततः वही अभियुक्त पाएगा और उनको पकड़ करके गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें और भी 2-3 लोग हैं जो षड्यंत्रकारी थे साथ में, जिन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा था, उन सबको भी गिरफ्तार करके तत्काल न्यायालय के सुपुर्द किया जाएगा। इस घटना के खुलासे के बाद पुलिस ने फर्जी गोली कांड को असली घटना का रूप देने वाले आरोपी बाप बेटे समेत कंधे में फर्जी गोली प्लांट करने वाले फर्जी डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब भाई, इस फर्जी गोली कांड ने तो पुलिस को भी चौंका कर रख दिया है, तो आसपास के लोग भी इसे सुनकर दंग हैं। औरैया से सूर्या शर्मा की रिपोर्ट, UP तक।